हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत बार एक बात पूछते हैं कि मैम इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, उधर हरियाणा का भी एग्जाम है, उधर राजस्थान भी है, उधर यहाँ पर एपीओ भी आ गया है, तो क्या किया जाए। आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैंने पोएम लिखी है, आई होप वो आपको अच्छी लगे और आप लोगों के मोटिवेशन के लिए लिखी है और बिल्कुल आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लिखी है, तो उसको सुनिएगा जरूर। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, झेल लीजिएगा। शुरू करती हूँ। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखिए। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, अंजाम क्या होगा कुछ पल के लिए, अंजाम क्या होगा कुछ पल के लिए, चल इसे छोड़ देते हैं, अंदाज अपना अलग रख, चल एक बार फिर से दौड़ते हैं। अंजाम अपना क्या होगा एक पल के लिए छोड़ देते हैं, अंदाज अपना अलग रख, चल एक बार फिर से दौड़ते हैं। जो वक्त बीत गया वापस नहीं आ सकता, जो वक्त बीत गया, जो कोरोना में चला गया ना टाइम, वापस नहीं आ सकता। जो वक्त बीत गया वापस नहीं आ सकता, जो खो गया वो वापस नहीं पा सकता, जो हमने खो दिया वापस नहीं पाया जा सकता जो वक्त, मगर चल एक बार फिर से खुद को आजमाते हैं, मगर चल एक बार फिर से खुद को आजमाते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, लोगों के सपने पूरे होते हैं, क्या मेरा एक ख्वाब भी पूरा होगा। मेरा क्या होगा, कुछ होगा अभी कि नहीं होगा, लोगों के सपने पूरे होते हैं, क्या मेरा एक ख्वाब भी पूरा होगा। चल इन ख्यालों को थोड़ा विराम देते हैं, चल इन ख्यालों को थोड़ा विराम देते हैं, खुल के जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम को रिलैक्स होके देना है। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं। जो बोझ मेरे कंधों पर, सभी को लगता है कि कुछ करके दिखाना है, तो जो बोझ मेरे कंधों पर खुद के और मेरे अपनों के सपनों का है, जो बोझ मेरे कंधों पर खुद के और मेरे अपनों और मेरे सपनों का है, तो क्या वो बोझ भारी है क्या खूबसूरत सी जिम्मेदारी है, क्या वो बोझ भारी है या खूबसूरत सी जिम्मेदारी है। जब मालूम है उस बोझ के साथ ही चलना है, चल तो उस बोझ को ही ताकत बनाते हैं। जब मालूम है उस बोझ के साथ ही चलना है, तो चल उस बोझ को ही ताकत बनाते हैं। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं। चल एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, नजरें उठाते हैं और सामने देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज देखो, अपना काम करो, डू योर बेस्ट, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। और हमेशा ध्यान रखिए, भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही है, एक रास्ता बंद किया तो दूसरा जरूर खोलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू।